गया था, आपको चैप्टर वन रीड करना था, आज इसका रिवीजन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी को चैप्टर वन का रिवीजन हेडिंग लिखकर डेट एंड डायमेंशन करना है। हमारा चैप्टर नेम क्या है? माय लविंग फैमिली। आई होप आपने वो रीड किया होगा। किससे रिलेटेड है हमारा चैप्टर? यस, फैमिली से। फैमिली क्या होती है? आप सब भी फैमिली में रहते हो तो सब साथ का साथ रहना। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसका ग्रुप है वो लोगों का ग्रुप है हु आर लिविंग टुगेदर, जो कि क्या करते हैं, साथ रहते हैं। आपकी फैमिली में भी सब साथ रहते हैं, सभी साथ रहेंगे तभी क्या बनेगी? फैमिली बनेगी। एंड रिलेटेड विथ ईच अदर, और सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आप फैमिली समझते हो कि क्या होती है? सबका सब साथ रहते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जितना भी वर्क होता है शेयर करके करते हैं, वो होती है फैमिली। सिबलिंग्स चिल्ड्रन डेट है पेरेंट्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स। ऐसे चिल्ड्रन जिनके सेम पेरेंट्स होते हैं उन्हें सिबलिंग्स कहा जाता है। यानी कि जैसे आप वन ब्रदर वन सिस्टर हो, टू ब्रदर्स वन ब्रदर वन सिस्टर हो, तो आप दोनों के पेरेंट्स के सेम हैं, तो आप दोनों क्या हो गए? सिबलिंग्स। तो आप समझ गए होंगे ऐसे चिल्ड्रन जिनके सेम पेरेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिबलिंग्स। टाइप ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज की टाइप के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स होते हैं? यस, थ्री टाइप्स, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है न्यूक्लियर फैमिली? यस, स्मॉल फैमिली को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, जिसमें कौन रहता है? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। कौन रहता है? या तो पेरेंट्स रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, अदर कोई नहीं रहता, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली को ही न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में क्या होता है? सभी लोग रहते हैं, जो बिग फैमिली होती है जिसमें अंकल आंटी दादा दादी सभी एक साथ रहते हैं, उनको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली, सिंगल पेरेंट आपको नाम से पता चल रहा होगा, सिंगल पेरेंट क्या होता है? या तो मदर साथ में रहती है या फिर फादर साथ में रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स में से कोई एक जना, दोनों साथ में नहीं रहते, उसे हम सिंगल पेरेंट।